हेलो जी, गुड मॉर्निंग जयराम जी की। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? और ये मॉर्निंग का टाइम था इसलिए मैंने मॉर्निंग में विश किया आपको, और वीडियो आपके पास आएगी नाइट में, तो गुड इवनिंग भी। और यहाँ पर मैंने दूध गर्म रखा है, सुबह सुबह आधा दूध ले लिया है, तो इसका मैं पनीर बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मेरे को हो रही थी टेंशन कि बच्चे क्या खाएंगे अच्छे से, जैसे ऐसी चीज़ बना कर दूँ जो कि वहाँ पर वो सुकून से खुश होकर खा सकते हो। मतलब वहाँ पर मैं खिलाने के लिए कोई नहीं है, मैम है, लेकिन वो होता है ना, बच्चा मन से ना खाए। तो ये सोच करके मैंने सोचा चलो पनीर पराठे बना देते हैं। अब पनीर लेकर कौन आएगा, ये समस्या रहती है ना। तो थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया था, ये होगा आधा लीटर से भी कम दूध है, तो इसमें मैंने थोड़ा छाछ का पानी डाल लिया था, मतलब छाछ जो है ना उसके ऊपर पानी जो आया हुआ था ना वो डाल दिया था। और ये देखो इसका पनीर जो है ना वो फट गया है। पहले फाड़ने के लिए क्या करना है, दूध को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर गैस के ऊपर से उतार के नीचे रखना है, फिर उसके अंदर छाछ का पानी होता है, नींबू के अंदर भी पानी डालकर आप डाल सकते हैं। तो ये मेरा पनीर जो था ना वो बनकर तैयार है, मैंने छलनी में छान कर छोड़ दिया था। अब इसका थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने निकाल दिया है, और अब मैं इसके लिए जो होता है ना बाकी सामान तैयार करने लग रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज छीले हैं, चार प्याज छीले हैं, जिसमें से मैंने एक उठाकर रख दिया था, तीन ही काटे थे। मतलब मैंने पहले तो छोटे साइज में थे ना, तो चार छील लिए थे, मैंने सोचा था कि देखते हैं अगर कितना डाला जाएगा, लेकिन फिर तीन ही प्याज पड़े। पनीर थोड़ा सा ज़्यादा डाला था मैंने, प्याज थोड़े कम डाले थे, और इसमें पांच पराठे दोनों बच्चों के बन गए थे, जैसे एक एक पराठा वो घर पे खा के गए थे और तीन पराठे उनको लेकर जाने थे। डेढ़ डेढ़ के हिसाब से डालती हूँ मैं, तो ऐसा कुछ मैंने ये रेशियो लगाया था। तो ये प्याज मेरे कट गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला डाला है, अमचूर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा धनिया पाउडर डाला है, और यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, एकदम हल्की सी डाली है। अब इसमें नमक डालूंगी मैं थोड़ी सी देर बाद, जैसे मैंने मसाला जो है ना उसको मिलाया ना, उसके बाद मैंने नमक डाला है, क्योंकि पहले नमक डाल देते तो वो पानी रिलीज कर देता है, जिससे कि वो होता है ना चिपचिपे से पराठे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने जो पराठे के लिए जो रोटी थी ना उसको बेलना शुरू कर दिया है, और अब इसमें ये मसाला मैं भर रही हूँ। तो जब भी आलू के पराठे बनाने हो या भरवा कोई भी पराठे बनाने हो ना, तो सबसे लास्ट में नमक डालना चाहिए, सारा मसाला मिलाने के बाद में नमक डाल के हल्के हाथ से मिला करके, और फिर जो भी फिलिंग करेंगे ना तो वो बिल्कुल भी मतलब गीला नहीं होगा मसाला। तो यहाँ पर देखो मैंने ये मसाला डाल दिया था, और उसके बाद में चारों तरफ से जब भी भरवा पराठा बनाए ना तो इस तरीके से उसको ये दबा लें, किनारों किनारों से, किनारों से दबाने से वो कभी भी आपका जो आपने उसके अंदर भरवा पराठे में भरा है ना वो नहीं निकलेगा। और ये चीज़ें मैं उनको बता रही हूँ जो कि मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपने पराठा कैसे बनाया, आपका बाहर नहीं निकला। तो जिनको पता है प्लीज़ वो कमेंट मत करना, बैग होता है ना कि नेगेटिव वे में मत ले जाना कि ज्ञान बांट रही है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो पराठा अपना एकदम बढ़िया तरीके से बेल करके हमने तैयार कर लिया है। अगर हम इसके किनारे दबा देते हैं ना तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, और हम आराम से इसको बेल सकते हैं। और पराठे का आटा जितना हो सके ना उतना ठीक लगाएं, मतलब ज़्यादा नरम भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो यहाँ पर अपना पराठा जो है ना वो हमने पलट लिया है, अब इसको घी से सेक लेंगे अच्छे से। और अब ये पता है सुबह सुबह अगर इस तरीके की डिश अगर कोई बनाने को मिल जाए ना तो फिर टिफ़िन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैंने ये पराठे बनाए ना तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगे होंगे। 20 मिनट मैंने आटा भी लगा लिया था, मैंने पनीर भी तैयार कर लिया था, और पांच पराठे बच्चों के बना भी दिए थे, और किचन भी जो मेरी समेटने की होती ना, हाँ वो मैंने समेटी नहीं थी, कोशिश थी समेटने की लेकिन मैंने समेटी नहीं थी। 20 मिनट में मेरा ज़्यादातर काम हो गया था, वैसे छोटे मोटे और भी काम किचन में निकल जाते हैं वो इधर उधर के कर लिए थे, बस किचन समेटना छोड़ दिया था। वो भी इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे रोटियां सेकनी थी, लेकिन बाद में फिर वो रोटी नहीं सेकी किसी रीज़न से, आगे ब्लॉग में बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने ये पराठा एक साइड से सेक लिया है, आप दूसरी साइड से सेक लेते हैं। तो ये वाला रीजन था, जैसे मैंने बच्चों को भेजा ना उसके बाद में मैंने देखा रूम में आकर के तो कपड़ों की बहुत हालत ख़राब हो रखी है, मतलब कहीं पर जगह ही नहीं है, इतने कपड़े हो रखे हैं चारों तरफ। तो नीचे से भी कुछ कपड़े जो मैंने नीचे उठा कर रखे हुए थे तो वो उठा करके वापस लाए गए, जब नीचे सफाई का अभियान चल रहा था, आप सबने व्लॉग देखे होंगे वो, तो वो कपड़े भी ऊपर आ गए थे। तो फिर मैंने दोबारा से निकालना शुरू किया है, और यहाँ पर मैं बेड खाली करूँगी, एक पोर्शन मुझे पूरा खाली करना है, क्योंकि मेरे जो वो होते हैं ना कि हैवी जो साड़ियाँ हैं और मेरे लहंगे वगैरह हैं वो सारे मेरे अलमारी के अंदर मैंने ठूंस रखे हैं, तो मेरे जो डेली वेयर कपड़े होते हैं ना उनके लिए जगह नहीं बन पा रही है, तो मैं उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो मुझे वो जगह बनानी है, तो मुझे सारे पोर्शन एक बार खोल करके अरेंज करने पड़े दोबारा से, इनमें से वेस्ट कपड़े निकालने पड़े, वेस्ट तो नहीं थे लेकिन फिर भी मुझे वेस्ट की कैटेगरी में वो रखने पड़े कि किसी को दे देंगे, क्योंकि वो होता है ना कि अभी काम नहीं आ रहा बाद में काम आ जाएगा, ऐसे सोचकर हम लोग रखते रहते हैं ना,
तो वो वाले कपड़े थे, वो वाला सामान भी था कुछ जो मुझ मतलब मेरे को निकालना पड़ा, ये सोच कर कि कब तक रखती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अब स्पेस की प्रॉब्लम है तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी मैंने खोल लिया है, और ये कभी कभी जैसे कि शादी आई थी घर में उस टाइम पे खुला था, तो ये कपड़े जो है ना, और बीच बीच में सर्दी आती रही जाती रही, तो मेरी फैमिली में कुछ मेम्बर ऐसे हैं जिनको सर्दी कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो वो क्या करते हैं तो कि वो कपड़े निकाल लेते हैं और फिर बाहर पटक देते हैं, और फिर इमरजेंसी में वो ऐसे ही रखने पड़ जाते हैं। तो मैंने आज सारे अरेंज किए, जिसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे भी निकले जो कि वेस्ट हो गए थे, और कुछ ऐसे निकले जो कि यूज़ के थे लेकिन फिर भी मुझे उनको देना पड़ा, मतलब निकालना पड़ा, क्योंकि अभी देने का तो अभी पता नहीं है कहाँ जाएंगे, लेकिन मैंने निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पर जगह बनाने का मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये बड़े वाले बैग जो है ना, ये मैं मम्मी के पास से लेकर आई थी। मेरी मम्मी पहले कभी बीकानेर गई थी ना, तब 100 रुपये का एक बैग इस हिसाब से लेकर आई हुई है, तो उन्होंने बेड में इन्हीं बैग में अपने सामान को अरेंज कर रखा है। तो यहाँ मेरे पास 2 बैग हो गए ऐसे, एक तो अभी मैं आई तब मेरी मम्मी ने मेरे को दिया था, और एक मेरे पास पहले का था। तो दोनों में मैंने सोचा जो हमारे डेली वेयर कपड़े हैं ना, उनको मैं डाल करके जो यूज में आने के हैं तो वो मैं रख दूँगी, तो धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और अच्छे से अरेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बस ये कपड़े सारे थे ना, उनको बेड के अंदर लगाना शुरू कर दिया है। और यहाँ ये जो थैला है ना, इसमें मैंने एक बार तो वेस्ट कपड़े निकाल के रखे थे, और बाद में मैंने इसको भी खाली किया क्योंकि मुझे ये यूज में आना था। और यहाँ पर ये रजाइयाँ जो है ना, इनको भी बीच बीच में निकाला गया है। पता है छत पर सोया जाता है, अकेले बंदे से सोता है, अकेला बंदा सोता है तो रजाई निकाल कर ले जाता है, फिर बाद में इधर उधर पटक देना उसको, मतलब नीचे रख देना या फिर रूम में रख देना, फिर मुझे वो दोबारा से अरेंज करनी पड़ती है। तो आज मैंने फिर से परमानेंट इसको अरेंज किया, और ये वाला पोर्शन जो था ना, ये पूरा भर गया। अब अंदर से वो बैग भी ले आई हूँ मैं, उसको वॉश कर दिया था, उसमें दोबारा पुराने कपड़े जो हमारे निकालने के थे वो मैंने निकाल दिए हैं, तो उसको भी भर दिया है। और यहाँ पर ये वाला जो बेड था ना, इसमें देखो एक फौजी जो कोट होता है ना, वो अभी मैंने रखा, वो कोट भी ये लेकर आए थे, ठीक है, तो वो भी पड़ा हुआ था इतने दिन से, वो काम का भी नहीं है, मतलब यूँ है ना कि रास्ते में एक दिन पहना गया था, तो उसको भी मैंने रखा है। वैसे वो देना है वापस गांव, तो जब जाएंगे, जब लेकर जाएंगे, पता नहीं कब लेकर जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए मैंने रख दिया है। तो ये सामने वाली अलमारी है ना, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी, जैसे दवाई हो गया, कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया, तो वो सारा भी मैंने निकाला है इसमें से। तो वो सारी चीज़ें भी एक बार फिर से अरेंज करनी है, उनमें से भी कुछ वेस्ट है वो निकाल के बाहर पटकना पड़ेगा। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, तो देखो ये काम मेरा आपको वीडियो में तो 10 मिनट में दिखा होगा, लेकिन इस काम को करने में मुझे पूरे 2-2.5 घंटे लग गए थे, ठीक है। तो ये इतना टाइम मुझे लगा, तो मैंने खाना आज टाइम पर नहीं बनाया, जिसका इश्यू आज बना, ठीक है। तो वो खाने के लिए मैंने मना इसलिए किया क्योंकि मेरे इस काम में लेट हो जाती, जो बिखेर लेते हैं ना हम इस तरीके का अड़ंगा, तो उसको समेटे नहीं तब तक माइंड में एक टेंशन रहती है। तो मुझे था कि मैं ये समेट कर ही दम लूँगी आज, तो और लास्ट में मैं थक भी गई थी बहुत बुरी तरीके से। और मैंने रोटियों के लिए इसलिए बोला कि हमारी रोटियां क्यों बनाई, कि देखो अगर वो होता है ना कि जो भी काम किया जाता है ना, वो निस्वार्थ भाव से किया जाता है बंदे को, किसी कोई भी हो जाए, रोटियां बनानी है लेकिन उसमें अपने नंबर भी मैं साथ साथ बनाने हैं। रोटियां बना रहा है कोई, हम सबकी भी बना रहा है। मैं आपको अगर मेरी मेंटेलिटी से समझाऊँ तो कैमरा लगा करके पहले पूछना कि रोटियां सेक दो, मुझे गुस्सा इसी चीज़ का आता है। देखो मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि वो होता है ना कि मुझे मेरा एक अलग जो ड्रामेबाज फेस लेकर के आप लोगों से बात करनी है, जो रियल है वो है। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि रोटी बना दो, और आपको पता है मैं काम में लगी हुई हूँ और इस तरीके से काम में लगी हुई हूँ, सब कुछ मैंने बिखेर रखा है, तो फर्स्ट तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 2 रोटियाँ सेकने में टाइम ही कितना लगता है, और दूसरी बात अगर कभी किसी बंदे ने ना सेकी हो तो वो ये बात बोले तो फिर अच्छा भी लगता है। दूसरी बात फिर सबकी रोटियाँ सेकी जा रही हैं, वो भी कैमरा लगा करके, और मुझे पता था इसका जो है ना आगे किस तरीके से इस चीज़ को परोसा जाएगा ऑडियंस के सामने। तो मैंने बोल दिया कि हमारी रोटियां क्यों सेकी, मतलब मैंने ऑडियंस के सामने ही बोला कि मेरी तरफ से मैंने नहीं बोला कि हमारा खाना बनाओ भाई, मैं मेरा बना सकती हूँ आराम से, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे मेहनत जितनी हो सकती है ना उससे डबल करने की कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए तो बस सोचा ही ना जाए कि
मेरा काम करके और मेरा कोई काम करे और उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँ, और बिना बात की जो बातें थी, जो फालतू की बातें हुई हैं, जो मेरे ऊपर बिना बात के, बिना कोई गलती के मेरे ऊपर वो लगाए गए हैं ना, मेरी इमेज डाउन की गई है, उनको मैं भूल जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद में मैं मेरे शिवांश के लिए रोज़ जो मक्खन है ना वो निकालती हूँ, दही जमाती हूँ। उसके बाद में नैनी नहीं खाती है, शिवांश खाता है, तो शिवांश एक ये चीज़ है जो खुश होकर खाता है। तो मैं मक्खन निकाल रही थी बस, और लास्ट में अब मैं नहाने जाऊंगी। तो करेंगे इस व्लॉग का एंड, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर।